देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर जिले के नौरंग देसर में विशाल ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करने के लिए शनिवार को पहुंचे। साथ ही 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन के अवसर पर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रणावा के नेतृत्व में राजल देसर एवं रतनगढ़ तहसील से सैकड़ों वाहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा के साथ नौरंग देसर रवाना हुई। नौरंग देसर रवाना होने से पूर्व राजल देसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत में विकास के अनेकों कार्य हुए, साथ ही विश्व में भारत का नाम रोशन करना है, ये भी हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य भारत माता का सम्मान करना एवं भारत भूमि रहने वाले प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने नेतृत्व में 2 बस व छोटी गाड़ी से करीबन 100 कार्यकर्ता बीकानेर पहुंचे, बल्कि इस रैली के कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने राजल देसर से 500 कार्यकर्ता 5 बड़ी बस एवं 20 छोटी गाड़ियों से रवाना होने का लक्ष्य दिया था। इसी प्रकार रतनगढ़ भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में दर्जनों वाहनों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। इस अवसर पर रतनगढ़ पूर्व पालिका अध्यक्ष किशोरीलाल भील, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार सिंह, देवी सिंह परिहार, महेंद्र गुज्जर गौड़, अंजलि चोटिया, श्याम पारिक, मनोज जोशी, गोपाल पारिक, भारती मुद्गल, पंकज जोशी, दीपक डिडवानिया, राजल देसर नगर महामंत्री मदन दादिच, वरिष्ठ नेता उमाशंकर दादिच व रमेश दादिच सहित सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे भारत से शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। हमारे और विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का आज बीकानेर के पास नौरंग सर में कई उद्घाटन के प्रोग्राम है। हम उनसे उनका संबोधन सुनने, उद्घाटन कार्यक्रम देखने और उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में साथ ही मेरे साथ में महिलाएं, देवियां और सब कार्यकर्ता जा रहे कर रहे हैं। बाकी 3 जगह मैंने बसों का कह रखा है, बाकी जैसे पटियाला है, राजल देसर है और जितने भी जगह है जहाँ से जो जो जिम्मेवारी दी है वो एकदम से एक भी कम बत्ती नहीं है, सब एकदम खूब पर्याप्त संख्या में जा रहे हैं कर रहे हैं और खूब शानदार प्रोग्राम होगा करेगा। इंद्र भगवान की भी खूब कृपा है, प्रकृति खूब साथ दे रहा, बहुत शानदार मौसम हो रहा कर रहा है। एक ऐसा तेजस्वी तपस्वी एक हमारा प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान उसका ऋणी रहेगा। एक ऐसा एक अवतार आया किया है कि निश्चित रूप से भारत का जो एक एक काम ऐसे ऐसे काम किए हैं कि एक काम के ऊपर में ही लोगों को भगवान, दो लोगों को मतलब सब के पाप अपराध क्षमा करता है परमात्मा, पर एक दो लोगों को नहीं बख्शता, एक तो अहंकारी को और एक नुगरा को। कितना बड़ा उस आदमी ने उपकार किया है, अपनी औरत नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार से मतलब नहीं, केवल 2 चीज़ों से, भारत माता और खुद की माता, 2 ही चीज़ों से प्रेम था। खुद की माता चली गई है, भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। आज 9 साल के अंदर में एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, रात दिन इस तरह का व्यक्ति मिला है। हम परमात्मा का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु हमारे देश का कल्याण करे, इनकी उम्र बढ़े और ये स्वस्थ रहे। धन्यवाद।